है दांत का उल्टा चश्मा। भाई पोपटलाल ऐसी क्या बात थी जो मीटिंग में टप्पू सेना तब को बुलाया लेकिन सोसाइटी के एक में उस सेक्रेटरी को नहीं? मीटिंग का ऐसा क्या एजेंडा था जो एक में उस सेक्रेटरी को बुलाना जरूरी नहीं समझा? और सोनू बाला, तुमने भी मुझे नहीं बताया बाला, बोलो क्या एजेंडा था? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूं, अगर मुझे बताना होता तो मैं भी मीटिंग में होता ना। मुझे नहीं बुलाया मतलब नहीं बताना है मुझे एजेंडा क्या है। ठीक है करो करो, मेरे पीठ पीछे बिंदास सीक्रेट मीटिंग करो। हाँ मैं जा रहा हूं। रुकिए भीड़ अंकल, मैं आपको बताता हूं कि ये सीक्रेट मीटिंग क्यों रखी थी। बोले, अरे बोलने दीजिए मुझे, वैसे भी कभी ना कभी तो बीड़े अंकल को पता चल ही जाएगा ना। क्या? शाबाश गोया, शाबाश। बोलो क्यों रखी थी सीक्रेट मीटिंग? एक्चुअली बात यह है कि ये सीक्रेट मीटिंग का एजेंडा आप ही थे। मैंने क्या किया? वो बहुत सालों पहले आपने जो किया था ना, उस बात को लेकर आज सीक्रेट मीटिंग थी। बहुत साल पहले ऐसा मैंने क्या कर दिया था भाई? शादी। अरे काय बोलते हो यार? अरे एक मिनट भिड़े, पूरा सुनना तो दे। पूरा सुन तो ले। हाँ बोलो। अरे भूल गए बीड़े अंकल, अगले महीने आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो इसलिए हम लोग ने ये सीक्रेट मीटिंग रखी थी। आपकी मैरिज एनिवर्सरी की सरप्राइज पार्टी प्लान करने के लिए। वाह वाह गुली वाह। सो स्वीट। आई एम सॉरी, मैं गलत समझा। हम भी कोई बात नहीं, करो करो सीक्रेट मीटिंग करो। अभी क्या? हाँ अभी क्या भाई, अभी तो तुझे पता चल गया ना, अभी अगले साल। ओए पिड़ू, तू ये दस पहले विच की है? अरे इसी के लिए तो सबको फोन कर रहा था मैं। इसमें आइसक्रीम है, सबको मैं आइसक्रीम पार्टी देना चाहता हूँ। माधवी ने सोनू के लिए सोने की चेन खरीदी ना, तो मैं सबको आइसक्रीम खिलाना चाहता हूँ। बेड़े भाई, आप सिर्फ पुरुष मंडली और टप्पू सेना को आइसक्रीम ट्रीट दे रहे हैं, और हमारा क्या? हाँ दैट्स नॉट फेयर। हाँ बेड़े भाई, हाँ बेड़े भाई, माधवी भाभी ने सोने की चेन तो ले ली लेकिन हमें दिखाई नहीं। आपको दिखाई कोमल भाभी? नहीं तो लेकिन भिड़े भाई आइसक्रीम पार्टी जरूर दे रहे, वो भी सिर्फ टप्पू सेना और पुरुष मंडली को। अरे ऐसी बात नहीं है कोमल भाभी, मैंने आइसक्रीम सबके लिए मंगवाई है। अरे थैंक यू, क्या बात है। लेकिन माधवी भाभी कहाँ है? वो घर पे है। तो माधवी भाभी को भी बुला लेते तो हम सब साथ में आइसक्रीम खाएंगे। कोमल भाभी हम सब लोग ऊपर चलते है, आइसक्रीम भी खा लेंगे और आप लोग चेन भी देख लेना। ऐसा सिचुएशन में आइसक्रीम कैसे खाया जाएगा? पर भिड़े के घर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। अरे फिर भी जाना तो पड़ेगा ना मेहता साहब, वरना उसको शक हो जाएगा। अरे चलो, तुम लोग रुक क्यों गए? आप लोग जाइए, मुझे नहीं खानी आइसक्रीम, मैं घर जाता हूँ। क्या घर जा रहा हूँ गोले? अरे आइसक्रीम नहीं खानी तुम्हें? नहीं वो क्या है बीड़े अंकल, के मेरे आने से कहीं आइसक्रीम कम ना पड़ जाए। अरे कुछ कम नहीं पड़ेगी, मैंने एक्स्ट्रा मंगाई है। अरे चलो अभी गोली। हाँ 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 चल चल चल। क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा है, जब इनको सब सच पता चलेगा ना
उनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। परमेश्वरा पांचवी भाभी बताइए कहां खड़े की चेन ले गई है। क्या दिखाऊं, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई माधवी, बोलो क्या गड़बड़ हो गई? वो क्या है, महिला मंडल को दिन में एक चेन दिखा रही थी ना, लेकिन काम की गड़बड़ी में रह गई, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि गड़बड़ हो गई। ओ ये उड़स ना, उसमें क्या है अभी दिखा देते। अरे भिड़े भाई रहने दे, चलेगा। हाँ आधारम, ये चैन मैंने छोड़ा, वो बाद में देख लेंगे। हाँ भिड़े मास्टर, एक काम करो, तुम अभी आइसक्रीम खिला दो और हम लोग आइसक्रीम खा के निकलते हैं। क्या तारक, आप लोगों को नहीं देखना है तो मत देखिए, लेकिन हमें तो चेन देखनी है। हाँ करेक्ट, हमें तो चेन देखनी है। हाँ। मेहता साहब, जब तक महिला मंडल चेन नहीं देख लेती, इनको चेन नहीं मिलने वाला। मैं लेके आता हूँ। थैंक यू। वाह, ये कैसी परिस्थिति में फंसा दिया, कहीं किसी को शक न हो जाए कि ये चेन नकली है। चेन देख के सब खुश हो जाएंगे। ये रही मेरी सोनू की सोने की चेन। अरे वाह, वाह नाइस, मजे नहीं जाना। हाँ वेरी नाइस, सो डेलिकेट ना। या देखिए, वाव वेरी नाइस डिजाइन। हाँ बोल भी कितना चमक रहा है ना। अरे चमकेगा ही ना, असली सोना है। हाँ आर्टिफिशियल गोल्ड थोड़ी ना है। ये लीजिए। अरे वाह ब्यूटी मास्टर, ये तो बहुत ही बढ़िया चेन है। लो लो। हाँ हलो हलो। अच्छी है अच्छी है। वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मस्त मस्त सूरा, बहुत बढ़िया। अच्छा है अच्छा। अरे वाह टॉप क्लास। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सोनू पे क्या सूट करेगी ना ये। बाद भी भाभी नाइस चॉइस। थैंक यू। अरे माधवी की चॉइस तो मैं उसी दिन मान गया था जब इसने मुझे अपना जीवन साथी चुना था। चलो चलो भिड़े मास्टर, अब मुंह मीठा कराओ। हंस हाँ हाँ चलो फटाफट आइसक्रीम खा के निकलते हैं। हाँ हाँ मैं अभी आइसक्रीम लेके आता हूँ। सबको आइसक्रीम मिल गई। खाइए खाइए। बेचारे माधवी भाभी और आत्माराम का पैसा चोरी हो गया, तुम मैं आइसक्रीम कैसे खा सकता है। वो माधवी सोनू खाओ ना आइसक्रीम। क्या तुम क्यों रुके, आइसक्रीम खाओ। आत्माराम क्या हुआ, मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता हूँ। क्या नहीं खा सकता, चुपचाप खा लो जाओ। नहीं मैं नहीं खा सकता। पर क्यों? वो आत्माराम मेरे को झुकना हुआ है। क्यों है झुकना? What? क्या हो गया? वो मतलब वो सर्दी सर्दी हो गया है। जुकाम, अचानक सर्दी हो गई।
अचानक कभी किसी को सर्दी नहीं होती है यार भाई। कोई बात नहीं जेठा भाई, मैं हूं ना। हाँ देखो फटाफट खा लो आइसक्रीम, वरना हाथी भाई रेडी है आपके आइसक्रीम खाने के लिए। नहीं नहीं जीठा भाई, मैं रेडी हूँ दवाई देने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए नहीं। ठीक है ठीक है, मैं कहता हूँ। खाओ खाओ जल्दी खाओ, नहीं तो आइसक्रीम खाने की बजाय पीनी पड़ेगी। अभी रखो इसको। सबने आइसक्रीम खा ली? हाँ। अपने अपने घर निकलते हैं। हाँ और फिर कल आबिद भी जाना है। अरे तुम भी नीचे आना। हाँ हाँ हाँ, आप लोग नीचे चलो, मैं रोशन को बता के आता हूँ। ओ यारो, मुझे पीड़ू के लिए ना बहुत बुरा लग रहा है। उसने तो सोने की चेन की खुशी में हमको आइसक्रीम भी खिला दी। ओए मैं उस डिलीवरी बॉय को पकड़ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है हाथी भाई, मैं क्या कह रहा था कि पता नहीं हमें कल कहां कहां भागना पड़ेगा। आप तकलीफ मत लीजिए, हम है ना, हम संभाल लेंगे। नहीं, नहीं मेहता साहब, आप सब मेरे दोस्त है और गोकुलधाम में किसी की भी प्रॉब्लम मतलब मेरी प्रॉब्लम, आप लोगों को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भी चलूंगा। हाँ थीप्रा, तुसी भी नाल चलना। हाँ। लेकिन कल सुबह अगर हम सब साथ में निकलेंगे तो किसी को शक हो सकता है, खास करके भेड़े को, और वो 100 सवाल करेगा और अगर से ठीक ठाक जवाब नहीं मिला ना तो उसे शक हो जाएगा कि हम उसे कुछ छुपा रहे। सही बात है। नहीं नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, कल सुबह हम सब बारी बारी निकलेंगे। सबसे पहले मैं दुकान के लिए निकलूंगा, उसके बाद आप सब एक एक करके निकलना। वाह, वो ये करेक्ट है। और मैं टप्पू सेना को भी अपने प्लान के बारे में बता दूंगा। और हाँ, अब से लेके कल सुबह तक इस टॉपिक के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा। नहीं नहीं, बराबर। तो फिर तय रहा, कल सब आप सब मेरे गोडाउन में टाइम पे पहुंच जाएंगे, बराबर। और अय्यर भाई, हम वहीं से पुलिस के कपड़े पहन के वो सीसीटीवी वाली दुकान पे पहुंच जाएंगे, बराबर। जय डलाल, हम लोग तो सब टाइम पर पहुंच जाएगा, लेकिन हमारे पहले तुम तो टाइम पर पहुंच जाएगा ना। तो भाई अभी यहाँ खड़े रहकर बात करने में खतरा है, किसी ने हमें देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो चलो शुभ रात्रि। हे भगवान, कल कैसे भी करके भाभी भाभी के पैसे वापस दिलवा देना, क्योंकि अगर कल पैसे वापस नहीं मिले और भेड़े को सच का पता चल गया तो पता नहीं बेचारे माधवी भाभी का क्या होगा। प्लीज टेंशन मत लो, परसों 12 बजे से पहले डिलीवरी बॉय पकड़ा जाएगा और हमें हमारे पैसे भी मिल जाएंगे। कैसे सोनू, पूरी पुरुष मंडली और टप्पू सेना उस डिलीवरी बॉय के पीछे हाथ धो के लगने वाली है। तुम लोगों ने पुरुष मंडली को बता दिया? अरे तेरे बाबा को पता चलेगा तो? बाबा को कुछ पता नहीं चलेगा, हमने इतना मस्त प्लान बनाया ना कि उस डिलीवरी बॉय का बचना बहुत मुश्किल है। कैसा प्लान बनाया? बताती हूँ, तू धीरे बोल, बाबा बाहर ही है, वो सुन लेंगे। सुन लिया है मैंने। क्या सुना आपने? माधवी, तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ,
सोनू आ रही है। आहो। मैंने बोला ना तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, वैसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सोनू मैंने बाहर बुलाया तुम्हें। ओ बाबा। चल चल बैठो 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 बाबा। अरे मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। ये ना मेरे आई के साथ ऐसा मजाक करने में बहुत मजा आता है बाबा। आप भी ना, पर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैंने माधुरी को एक मस्त सरप्राइज देना चाहता। सरप्राइज? हाँ, माधुरी कैसे तुम्हारे लिए सोने की चेन खरीद के मुझे सरप्राइज दिया, ऐसे ही मैं माधुरी को सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। एक ऐसा सरप्राइज जो हमेशा तुम्हारी आई की नजरों के सामने रहेगा, तो जब जब वो देखेगी ना वो बहुत खुश होगी। ऐसा क्या सरप्राइज है? वो सरप्राइज है टैटू। टैटू? हाँ, मैं मस्त देखी माधुरी के नाम का यहाँ पे टैटू बनवाने वाला हूँ। एक मेरा ये देख, इसके पास जाके माधवी के नाम का यहाँ पे टैटू बनवाने वाला। किंग एंड क्वीन टैटूस, ये तो बहुत फेमस टैटू आर्टिस्ट है। अरे वाह, मेरे आई को सरप्राइज देना है मुझे, अरे गेरे के पास ही थोड़ी ना टैटू बनवाऊंगा मैं। मैंने सोशल मीडिया पे जाके इसका नाम नंबर और पता ढूंढ के निकाला, तुम मेरे साथ में चलना कल। कल? बाबा कल तो मुझे थोड़ा काम है, परसों चले? मैं परसों तक वेट नहीं कर सकता सोनू। चलो एक काम करते, तुम अपना काम निपटा लो, मैं जाके टैटू बनवा के आऊंगा कल। देवा, अगर बाबा ने टैटू बनवा लिया और पैसे वापस नहीं मिले तो वो जिंदगी भर आई को टैटू दिखा दिखा के ताने मारेंगे। बेचारी सोनू पता नहीं कैसे संभाल रही होगी। जाओ कभी नको। ए, क्या सोच रही हो? बाबा मैं ये सोच रही थी कि आई कितनी लकी है और आपका सरप्राइज देखकर वो बहुत खुश हो जाएंगी। अहो, आपने जो भी सुना है ना? कुछ नहीं सुना बाबा ने, वो हमारे साथ मजाक कर रहे थे। ऐसा कौन मजाक करता है? सॉरी माधवी। मैं कितने डर गई पता है आपको? सॉरी, लेकिन इस पर डरने का क्या हा? पर ऐसी कौन सी बात हो रही थी तुम दोनों में जो मुझे सुननी नहीं चाहिए थी? वो बाबा आई और मेरे बीच की प्राइवेट बात है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? अभी उसने बोला ना प्राइवेट बात है, सर कशाला विचार है समझ हो ना बाबा। चलो अभी सो जाते हैं, आई सुबह बात करते हैं। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट आई। गुड नाइट, गुड नाइट। चल सर, ए माधवी। हाँ हाँ ले। आई को मैसेज करके बता देती हूँ कि सब ठीक है, वरना वो रात भर टेंशन लेती रहेगी और सोएगी ही नहीं। टेंशन मत लो, कल पैसे मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे ये मैं बाद में बताऊंगी। गुड नाइट। किसका मैसेज है? सोनू का। वो मैसेज क्यों कर रही है? सोने का मैसेज है, गुड नाइट मैसेजेस आते हैं ना, तो फ्रेंड ने गुड नाइट भेजा है, देख रहा है आपको? तुम्हारी फ्रेंड का मैसेज है, मैं देख के क्या करूंगा, तुम देखो। गुड नाइट उसको बोलो, उसको किया उसको। ठीक है सर, गुड नाइट। परमेश्वरा, कल ये लोग डिलीवरी बॉय को पकड़ने के लिए जो भी करने वाले हैं उसमें इनका साथ देना और इनको सफल करना। दोस्तों, कल से शुरू होने वाला है मिशन माधवी भाभी के पैसे वापस लाओ, जिसमें जेठालाल इंस्पेक्टर बनेगा और अय्यर हवलदार, और दोनों साथ मिलकर उस दुकानदार के पास जाएंगे सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए।
लेकिन दोस्तों ये मिशन सुनने में जितना आसान लग रहा है ना उतना है नहीं, क्योंकि नकली पुलिस बनना अपराध है और अगर पांडे जी को पता चल गया तो हम सबको हवालात में डाल देंगे। लेकिन हमारी प्यारी माधवी भाभी को उनके पैसे वापस दिलवाने के लिए, एक नारी को न्याय दिलवाने के लिए हम ये जोखिम उठाने को तैयार है। दोस्तों भगवान के आशीर्वाद की और उनके साथ की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर जरा भी गड़बड़ हुई ना तो ये मिशन बहुत भारी पड़ सकता है। बस माधवी भाभी को उनके पैसे मिल जाए, सोनू को उसकी चेन मिल जाए और भिड़े को इस बारे में पता ना चले, इसलिए हम गोकुल धामवासी ये जोखिम उठाने को तैयार है। लेकिन दोस्तों आपको इस मिशन में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जेठालाल इंस्पेक्टर बना है और अय्यर हवलदार, और आप तो जानते हैं जेठालाल एक भी मौका नहीं छोड़ेगा अय्यर को तंग करने के लिए। इस मिशन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कितने भी उतार चढ़ाव आए आपके घर के हंसी का मीटर ऊपर ही जाएगा। अब देखते हैं कि ये मिशन सफल होता है या फिर असफल और आगे कौन कौन सी गड़बड़े होती है, तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अय्यर भाई कहाँ जा रहे, लगता कहीं बाहर कहाँ जा रहा है। ओ अय्यर भाई आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ वो मैं। अरे क्या वो मैं, कुछ शरम वरम है कि नहीं आपको? यहाँ माधवी भाभी बेचारे इतने तकलीफ में है और आप धूम धपा के भाग रहे। अरे आपका नाम अय्यर भाई नहीं कायर भाई होना चाहिए था। अरे आप भाग जाएंगे तो हवलदार कौन बनेगा? अच्छा समझा, आपको हवलदार नहीं बनना इसलिए भाग रहे हैं आप।